गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग अभी न्यू चैप्टर का आगाज किए हैं जिसका नाम है NLL, NL यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसमें से हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ लिए हैं, ठीक है। फोर्स भी पढ़ लिए हम लोग, इनर्सिया के बारे में भी पढ़ लिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ भी पढ़ लिए। आज न्यूटन सेकेंड लॉ को हम लोग पढ़ेंगे और कैसे न्यूटन ने सोचा, एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया, उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ को समझने के लिए आपको सबसे पहले मोमेंटम क्या है इसको समझना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि इसी पर बेस्ड न्यूटन सेकेंड का लॉ है। इसलिए हम लोग सबसे पहले बिना समय गवाए मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। मोमेंटम हेडिंग लगाइए, मोमेंटम मतलब होता है संवेग। ध्यान से देखिए, जैसे इनर्सिया का मतलब था आलस, इनर्सिया का मतलब क्या था, आलस, उसी टाइप से संवेग का मतलब होता है चोट। क्या होता है, चोट। समझ में आ रहा है कि नहीं। संवेग मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ध्यान से देखिए, सपोज डैट ये एग्जांपल है, इसके पास मास है, ठीक है, और इसको वेलोसिटी दे दूंगा तो आपको क्या लगाएगा, ये चोट लगाएगा, यानी फिजिक्स में बोले तो मोमेंटम लगाया। क्या लगाया आपको, मोमेंटम। समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे क्या किया, क्या चोट, कोई दिक्कत। तो यह चोट जो है किस पर डिपेंड करेगा, इसके मास पर। अगर मास ज्यादा रहेगा, यानी 10 केजी का उठा के फेंक दिया आपके ऊपर उतने वेलोसिटी से, और 2 केजी का सेम वेलोसिटी से फेंके आप पर, कब चोट ज्यादा लगेगा। आंसर क्या है, बड़ा मास रहेगा तो ज्यादा चोट लगाएगा, कम मास रहेगा तो कम चोट लगाएगा। और वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर 2 सेम मास के बॉडी को, एक को 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दूं तब जो चोट लगेगा, और फिर उसको 40 मीटर पर सेकंड से फेंक दूं तब जो चोट लगेगा, ऑब्वियसली है 40 न्यूटन मीटर पर सेकंड से जब फेंकेंगे सेम मास के बॉडी को तो चोट ज़्यादा लगाएगा नहीं। तो आई होप आपने मोमेंटम को क्लियर इमेजिंग कर लिया है। तो देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या है। लिखिए, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। चलिए, इट इज डिनोटेड बाय लेटर पी। ध्यान से देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उनके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अच्छी बात है, इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। है, तुम बीच में बैठते हो, तुम डिस्टर्ब करते हो सबको, मतलब गप में फंसा देते हो। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उनके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। तो कहने का मेरा मतलब कि अगर कोई बॉडी है, सपोज डैट इसका मास है m और इसकी वेलोसिटी है क्या v, तब इसका मोमेंटम अगर पूछे मोमेंटम, तो आप क्या बताइएगा, सर मास इंटू वेलोसिटी, यानी इसका जो मोमेंटम है सर उसको आप लिख सकते हैं सर द्रव्यमान गुने वेग। चलिए, अच्छी बात है। मोमेंटम को सर कैसे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं, एम इंटू वी। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, इन वेक्टर फॉर्म इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ध्यान से देखिए, जो नहीं पढ़ा है वेक्टर, वो वेक्टर बनाना है इसको, तो इस पर एरो लगा देते हैं।
और मास तो स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, इसलिए वेलोसिटी पर भी वेक्टर लगा देते हैं। वेक्टर फॉर्म में इस तरह से मोमेंटम को बता सकते हैं। अब वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी होता है। तो अगर मोमेंटम का डायरेक्शंस पूछें, जैसे मारेंगे चोट किधर लगेगा, जिधर वेलोसिटी होगा उधर ही लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम भी वेक्टर है। तो मोमेंटम का डायरेक्शंस वेलोसिटी के डायरेक्शंस में ही होता है। ये सब जो पढ़े, ये सब 9th स्टैंडर्ड में भी हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। अब जो इसमें 11th में क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा, उसके लिए हम नोट्स पॉइंट लिखा देते हैं। लिखिए इसको, वहां तक लिखिए नोट पॉइंट। पहला, मोमेंटम, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब है कि संवेग सदिश राशि है, सदिश राशि है। दूसरा नंबर आप ये लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। यानी आप लिख सकते हैं संवेग, संवेग की दिशा, संवेग की दिशा वस्तु के वेग की दिशा, वेग की दिशा में होती है। तीसरी बात हम लोग ये भी लिख सकते हैं, मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ बॉडी। यानी हम कह सकते हैं कि संवेग वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग दोनों पर निर्भर करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मास बढ़ाइएगा तो फिर भी मोमेंटम बढ़ेगा। चौथी बात, इफ मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेज देन इट्स मोमेंटम आल्सो इंक्रीजेज। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाते हैं तो उनका संवेग भी बढ़ता है। ये सब बात याद रखना है, कुछ भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं पांचवा नंबर, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेज देन इट्स मोमेंटम आल्सो इंक्रीजेज। यदि किसी वस्तु के वेग बढ़ता है तो उसका संवेग भी बढ़ता है। अच्छी बात है। छठा नंबर, यूनिट एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, मोमेंटम का एसआई मात्रा क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रक
केजी मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए सातवां नंबर, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज m पर पावर वन l पर वन t पर माइनस वन हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब संवेग का विमीय सूत्र m पर वन l पर वन t पर माइनस वन होता है। इस दोनों चीज को हम अभी रिकैप कर देते हैं एक मिनट के लिए। ऐसे जो यूनिट डायमेंशन पढ़ लिया है उसको दिक्कत नहीं आया होगा, जो नहीं पढ़ा है हम ट्रिक दे देते हैं कि किसी भी चीज़ का यूनिट और डायमेंशन आप बता सकते हो। एक मिनट का समय लेंगे और बता देंगे, उसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, जल्दी लिखिए। इधर लिख लिया रे, दोनों लिखता है क्या? लिखो जल्दी से। देखिए किसी भी चीज का यूनिट और डायमेंशन कैसे लिखते हैं, यह यूनिट और डायमेंशन चैप्टर में सिखाया जाता है, जो कि एक लंबा चैप्टर है, बहुत दिन लगता है, लेकिन उस चैप्टर में हम तुरंत बता देते हैं, एक मिनट में सब सिखा देंगे। कुछ चीज़ें याद रखना पड़ता है, एक होता है फिजिकल क्वांटिटी, मतलब होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा होता है यूनिट, एक बार आज बता देते हैं फिर नहीं बताएंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना है, सात गो है, 11th में तीन याद रखोगे तो काम चल जाएगा। पहला देखो, मास का यूनिट केजी होता है और डायमेंशनल फॉर्मूला एम होता है। दूसरा चीज टाइम का यूनिट सेकेंड, डायमेंशन फॉर्मूला टी। और तीसरा चीज आपका होता है लेंथ का मीटर, डायमेंशन फॉर्मूला एल। इतना याद रख सकते हो कि नहीं? बस इतने याद रखो आप, सात गो होता है, वो सब जरूरत नहीं पड़ता है 12th में बता देंगे, या जाके यूट्यूब पर देखो, सब वीडियो लोड है। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, जिसको यूनिट डायमेंशन में प्रॉब्लम है, यूनिट कैसे लिखेंगे? देखिए मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। देखिए यह मास यहाँ मिला सर, हाँ मिल गया, क्या यह वेलोसिटी मिला यहाँ? आंसर है नहीं, तो इसको तोड़ो अभी, और फंडामेंटल मिलाना है मास। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखिए मास तो मिल गया है, डिस्टेंस मतलब लेंथ मिल गया, टाइम मतलब टाइम मिल गया। अब इसका यूनिट लिख दीजिए, मास का यूनिट देखिए केजी है, केजी लिख दिए, डिस्टेंस मतलब लेंथ, यूनिट मीटर है, मीटर लिख दिए, टाइम मतलब समय का यूनिट सेकेंड, तो सेकेंड लिख दिए। इसी चीज को केजी मीटर सेकेंड, ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स। अब देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है,
चलो ध्यान से देखिए, मास, मास का डायमेंशन m, m लिख दिए, कितना पीस है, एक पीस है। फिर डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ का l एक पीस है। टाइम, टाइम का t ऊपर जाए, t नीचे है, t किधर है, t आपका नीचे है, t आपका किधर है, नीचे है। तो इसी चीज को लिख सकते m l, t ऊपर जाएगा तो t पर पावर माइनस वन, यानी सारा खेल इसी से होता है। सेकेंड चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ाया गया है। ऊपर मिटाऊं टेबल, मिटा दूं पूरा। देखिए एक क्वेश्चंस दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दे रहे हैं, विच ट्रक कैन अफेक्टेड द वॉल, कौन सा ट्रक दीवाल को अधिक आघात पहुंचाएगा। क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिए, ये रोड है, ये नहीं समझना ऊपर नीचे रोड है, रोड ऐसा है, इधर जगह नहीं इसलिए इस तरह से दिखा रहे हैं। एक ट्रक यहां पर है, ध्यान से समझना है, ये एक ट्रक है, ध्यान से देखिए, ये एक ट्रक है, दूसरा ट्रक यहां पर है, सेम कंपनी का ट्रक है। इसमें क्या है ना, पूरा बालू लोड है, ध्यान से देखो, इसमें बालू लोड है और ये खाली है, ये भी चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, यानी समझो 25 मीटर पर सेकेंड से, ये भी चल रहा है 25 मीटर पर सेकेंड से, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। इसका जो मास है, इस ट्रक का मास ऑफ ट्रक यह दिया हुआ है 1000 kg, कितना है, और इस पर जो बालू लोड है, ठीक है, मास ऑफ सेंड ये है 3000 kg, कोई दिक्कत। जब सेमे कंपनी का ट्रक है, कोई दिक्कत, और ये इस तरह से जा रहा है किसी वाल से, ये वाल है, मतलब दीवाल, बताइए इस वाल को कौन सा ट्रक ज्यादा इफेक्ट करेगा, नंबर वन वाला कि नंबर टू वाला। ये भी ट्रक जो है ना, इसका भी मास उतने हैं 1000 kg, ट्रक का मास ये वन, हाँ ये टू ट्रक है, ये वन ट्रक है, बताओ कौन सा ट्रक दीवार को ज्यादा आघात पहुंचाएगा, यानी ज्यादा चोट लगाएगा, ज्यादा मोमेंटम क्रिएट करेगा। वेलोसिटी दोनों का सेम है, वेलोसिटी दोनों का
सेम है, एक ही कंपनी का गाड़ी है, एक खाली है और दूसरा लोडेड है, कौन ज्यादा दीवार को टक्कर मारेगा यानी आघात पहुंचाएगा, ज्यादा मोमेंटम क्रिएट करेगा? टू नंबर कौन सा क्यों करेगा? टू नंबर का मोमेंटम ज्यादा है और एक नंबर का मोमेंटम कम है। उसी तरह से सोचिए, दो मोटरसाइकिल है, दो मोटरसाइकिल है, सेम कंपनी का है, एक पर सिंगल लोडिंग है, एक पर ट्रिपल लोडिंग है। अगर एक्सीडेंट होता है, किसी को धक्का मारता है, तो कौन ज्यादा चोट लगाएगा? जिस पर तीन लोडिंग है, जिस पर तीन, इसीलिए सरकार उस पर पाबंदी क्रिएट करता है। समझ में आ रही नहीं? ट्रिपल लोडिंग नहीं चलिए। ट्रिपल लोडिंग मतलब मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी सेम रहने के बावजूद भी। कितना मूर्ख को पूछे तो वो बता दिया कि वो बराबर ही लगेगा, या खाली वाला सोचता है कि खाली है ना, वो ज्यादा धक्का मारेगा। ऐसा कोई बात नहीं है। जिसका मास ज्यादा है, चूर देखते हैं, लोडेड गाड़ी अगर किसी मकान में टकराता है तो मकान को गिरा देता है, तोड़ देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? रीजन क्या है? उसका मोमेंटम ज्यादा हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए लोड गाड़ी से जब एक्सीडेंट होगा तो बचने का चांस कम है। कोई दिक्कत? तो वही कह रहा है, कौन सा ट्रक दीवार को अधिक आघात पहुंचाएगा? तो पहले हम निकाल लेते हैं, P1 बराबर मोमेंटम निकालेंगे, मास ऑफ ट्रक इंटू वेलोसिटी। ट्रक का मास है 1000 इंटू वेलोसिटी 25। वेलोसिटी 25 यानी 25 पर 20, इतना केजी मीटर पर सेकेंड। अगर P2 का बात करें तो ये हो जाएगा MT प्लस मास ऑफ सेंड, मास ऑफ सेंड इंटू वेलोसिटी, होगा कि नहीं? तो मास ऑफ ट्रक कितना है, 1000 केजी है, प्लस सेंड का मास 3000 केजी है, इंटू वेलोसिटी 25। इसको सॉल्व जब कीजिएगा, सॉल्व करने पर आ जाएगा 4000 इंटू 25 और 25 गुना 4 100 पर 30, 1 2 3, इतना केजी मीटर पर सेकेंड। बताइए, दो गुना का कितना गुना का अंतर है, बताओ? ये कहाँ इकाई दाही सैकड़ा हजार, 2500 केजी मीटर पर सेकेंड का चोट लगा रहा है। तो ये देखिए, इकाई दाही सैकड़ा हजार, 10000 लाख, कहाँ लाख है, नहीं समझे? 2500 केजी मीटर पर सेकेंड है और ये कहाँ लाख है, कितने गुना? बहुत गुना। भाग दे देंगे, उसमें भाग देने से पता चलेगा, यह जीरो पार हो जाएगा, यह जीरो पार हो जाएगा। और ये क्या है, इकाई दाही सैकड़ा हजार, 1000 में 25 से भाग देंगे, 40 से गुना होगा। 1000 में 25 से भाग दो तो कितना होगा? हाँ 40 गुना ज्यादा चोट लगाएगा। कितना लगाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? ए बाबा, सोचिए करें, हम किसको सोच पा रहे हैं? सेम ट्रक है, सेम वेलोसिटी जा रहा, ये भारी है, लोडेड है, ये लोडेड नहीं है, इससे यह 40 गुना फोर्स लगाएगा दीवार पे। कितने गुना लगाएंगे? 40 गुना। इसीलिए लोड गाड़ी से सावधान रहना चाहिए। तो लिखेंगे हियर, लिखिए हियर P1 इज लेस देन P2, सो लोडेड ट्रक मोर अफेक्टेड द वॉल। लिखेंगे यहां P1 P2 से कम है अर्थात, या इसलिए भरा हुआ ट्रक दीवाल को अधिक क्षति पहुंचाएगा। समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
मोमेंटम मतलब आपको क्लियर क्लियर समझ में आ गया। मिटाऊं ऊपर, अब हेडिंग लगाइए न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन मोमेंटम पढ़ा दिया ना, मोमेंटम हो गया, अभी चेंज इन मोमेंटम भी पढ़ लीजिए। चेंज इन मोमेंटम संवेग में परिवर्तन, ध्यान से देखिए, द डिफरेंस बिटवीन फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा पी। किसी वस्तु के अंतिम संवेग एवं प्रारंभिक संवेग के अंतर को संवेग में परिवर्तन कहते हैं, इसे डेल्टा पी द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। लेट इनिशियल मोमेंटम बराबर पी वन, लिख देते हैं एम वी वन एंड फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू पी टू मतलब एम वी टू। ठीक है, मान लो जैसे देखिए कोई बॉडी है, इसका मास एम है, वेलोसिटी पहले वी वन है, उसके बाद इसका मास एम ही रहेगा, वेलोसिटी हो गया वी यू। तो बताइए, तो ऑब्वियसली है ये इसका मोमेंटम पी वन और इसका क्या होगा पी टू। पी वन बराबर क्या हो जाएगा एम वी वन और पी टू बराबर एम वी टू। तो आपको निकालना है क्या, चेंज इन मोमेंटम संवेग में परिवर्तन को हम लोग डेल्टा एम से दिखाएंगे, डेल्टा पी से, किसे डेल्टा पी से, तो क्या हो जाएगा बाद वाले में पहले वाले को घटा देंगे, ये ना डिफिनेशन है। इसी चीज को लिख सकते एम वी टू माइनस एम वी वन, चेंज इन मोमेंटम समझ में आ गया। चेंज इन मोमेंटम को क्या कहते हैं डेल्टा पी, जो क्या होगा पी टू माइनस पी वन,
या एम वी टू माइनस एम वी वन। ऊपर मिटाऊं, ऊपर मिटाऊं, अब हमारे प्यारे बच्चों अब चलिए अब क्या न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन गति के द्वितीय नियम क्या है नियम, इस चीज पर चलते हैं। कोई भी नियम देता है पहले एक्सपेरिमेंट करता है साइंटिस्ट, उसके बाद नियम देता है। मिटाओ इसको, पहले लिखिए इसको अच्छा से। ध्यान से देखिए, एक्सपेरिमेंट विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट ना करके करता है, डायरेक्ट नियम पढ़ता है। लेकिन कैसे किया था न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट, ध्यान से देखिए, इस चीज को नोट करके लिख लीजिएगा। देखिए केवल समझना है इसको, लिखना पढ़ना नहीं है इसमें कोई। ध्यान से देखिए, न्यूटन ने एकदम फ्रिक्शन लेस सरफेस तैयार किया था। कैसा सरफेस था? फ्रिक्शन लेस, जैसा इनर्सिया के लिए यूज हुआ था। उसके बाद ध्यान से देखो, यहां पर एक पुल्ली लगाया, पहिया, यहां पर एक पहिया लगाया था और एक ट्रॉली, ट्रॉली समझते हो, जो ये ठेला सब तुम देखते हो, ये क्या है? एक तरह का ट्रॉली है। क्या है? इस तरह से ले सकते हैं ठेला, एक ट्रॉली था। इसको यहाँ रस्सी से बांधा और इस पहिए से ले करके न्यूटन इस पर फोर्स लगाता था। ध्यान से देखिए, फोर्स लगाएगा, कितना लगाए पता नहीं चलेगा, इसलिए इसमें मास लटकाता था। क्या लटकाता था? मास। मास जब रहता है तो फोर्स जो होता है वो पता चलता है एम जी, कितना एम जी। अगर मास एक के जी का है, कितने का है? हे बाबा, अगर मास एक केजी का है, जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता किसी को, ध्यान दीजिए। न्यूटन इसको खींचता था, खींचेगा तो कितना फोर्स लगाएगा यह पता नहीं चल पाएगा, इसके लिए यह एक मास लटका देता था यहां पे, इसके लिए यहां पर एक मास लटका देता था। अगर यह मास का वैल्यू अगर 1 केजी पुट कर दिए, कितना 1 केजी, जी का मान कितना हो जाएगा? 9.8। इसी को लगभग कितना हम लोग कहते हैं? 10। तो तुरंत पता चल जाएगा 10 न्यूटन लगाए। अगर 2 केजी का लटकाएंगे तो 20 न्यूटन लगाए, 3 केजी लटकाए तो 30 न्यूटन लगाए। यानी कहने का मेरा मतलब है कि अगर मासी बॉडी को यहां लटका देंगे, मासी बॉडी को अगर यहां लटका देंगे, ध्यान दीजिए, मासी बॉडी को अगर लटका देंगे तो इससे पता चल जाता है कि कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे। नहीं, ऐसे अगर हाथ से खींचेगा तो पता नहीं चलेगा कितना लगाए नहीं लगाए। ऐसे मास मेजर करके 1 केजी लटकाए तो 10 न्यूटन फोर्स, 2 केजी लटकाए तो 20 न्यूटन फोर्स, इसलिए इस फोर्स का इस्तेमाल किया था। अब ध्यान से देखिए, जैसे जैसे फोर्स का वैल्यू बढ़ता है, जैसे जैसे फोर्स का वैल्यू बढ़ते जाता है तो ये बताइए तेज होगा कि नहीं। कुछ लोग सोचता है कि हमको आज साइंटिस्ट नहीं बनना है। हम कहते हैं कि इतनी सब पर सोचने से साइंटिस्ट नहीं बनता है, एक अच्छा एक नॉर्मल स्टूडेंट फिजिक्स का बनेगा। सिर्फ ध्यान दीजिए यार, फिर मौका नहीं मिलेगा, जिंदगी बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। ये तो फॉर्मेलिटी के लिए कोई पढ़ रहा है केवल, कि पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा कह रहे हैं इसलिए पढ़ लेते हैं,
तो अलग बात है, लेकिन जिंदगी मिला है इसको जी लो एक बार। ध्यान से देखिए, तो जैसे न्यूटन ने देखा क्या, जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे थे, जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहा था तो यह तेज होते जा रहा था, यह तेज होते जा रहा था, समझ में आ रहा कि नहीं। उसी तेजी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। बहुत सारे फोर्स, जैसे एक के जी पहले लटकाया, फिर आया, फिर उसको हटा के ट्रॉली को खींच के यहां लाया, फिर दो के जी लटकाया, फिर देखा ज्यादा तेजी से गया, फिर तीसरे बार में तीन के जी लटकाया और तेज हो गया, चौथे बार में चार के जी लटकाया और तेज हो गया। इससे यह पता चला कि ज्यो ज्यो फोर्स बढ़ाते हैं त्यों त्यों ये एक्सेलरेशन बढ़ता है। इसीलिए न्यूटन को यह समझ में आया किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? फोर्स का। फोर्स बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। फिर दूसरी बार न्यूटन ने और भी एक्सपेरिमेंट किया इसी पर, इस बार फोर्स को कांस्टेंट रखा। अगर 4 केजी लटकाया मतलब 40 न्यूटन फोर्स लगा रहा था तो उतने लगाते रह गया, ठीक है। और पहले इस पर एक ठो डब्बा रखा, मास बढ़ाया, देखा कि ए का मान कुछ घटा, ए का मान कुछ घटा, फिर खींच के यहां लाया, दो डब्बा लगा रख दिया और जब फिर खींचा तो और घट गया था। फिर जब तीन डब्बा रख दिया मास का तो फिर देखा कांस्टेंट कौन से, तीन डब्बा जब रखा तो वही फोर्स इसको और धीरे धीरे खींचने लगा। इससे पता यह चला न्यूटन को कि जैसे जैसे मास बढ़ा रहे हैं इसका, जैसे जैसे इसका मास बढ़ा रहे हैं तो यह जो ए है यह घटते जा रहा है। तो उससे पता चल गया इसको कि ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? मास का। चूंकि मास बढ़ेगा तो ए घटेगा, फोर्स बढ़ा रहे थे तो ए बढ़ रहा था, दोनों को कंबाइंड किया मिलाया तो पता चला कि ए जो था यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एफ का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसका? एम का। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका? एम का। तब इसने यह नियम दे दिया कि किसी भी बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वह फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको आप नोट करके लिख सकते हो, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। यही लॉ दिया, कहा किसी भी वस्तु में उत्पन्न त्वरण उस पर लगाए गए बल के समानुपाती तथा वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रमा क्रमानुपाती होता है। अर्थात इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक बॉडी है एम मास का, इस पर फोर्स लगाए और एक्सेलरेशन हुआ तो ये ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? एम का। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने से आपको यह पता चल रहा है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट डालेंगे। जब भी कॉन्स्टेंट डालते हैं, सॉरी, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के बराबर डालते हैं और उसको बैलेंस करने के लिए कांस्टेंट डाला जाता है, इट इज द मैथमेटिकल रूल। अब यह कांस्टेंट का मान कौन देगा? जिसने एक्सपेरिमेंट किया, जिसने एक्सपेरिमेंट किया न्यूटन ने किया, इसलिए न्यूटन ने ही दिया है यह के का मान। के का मान बोला न्यूटन ने वन होता है, कितना होता है? वन। एसआई सिस्टम में और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा? एफ बाय एम, एफ बाय एम।
एफ बाय एम। तो इस तरह से यहां से आप लिख सकते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। ये पढ़े देखने हम लोग, तो ये कहां से आता है कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। अब नाउ देखिए यहां समझने वाली बात है, समझिए। सपोज डैट एक ये बॉडी है, मास है एम, और इस जगह पर इसकी वेलोसिटी वी वन है, और फिर इसकी वेलोसिटी हो जाता है वी टू, और एक्सेलरेशन हुआ ए। यहाँ पर टाइम टी वन है, यहाँ पर टाइम क्या है टी टू है। ध्यान दीजिए बच्चों, एफ इज इक्वल टू क्या होता है सर, एम ए। क्या होता है एम ए, अभी तुरंत सीखे। एम था, एम दिए, ए ए का फार्मूला क्या सीखे थे, वी माइनस यू बाई टी। क्या सीखे थे, वी माइनस यू बाई टी। वी है फाइनल वेलोसिटी वी टू, यहाँ पर लिखेंगे वी टू। यू है इनिशियल वेलोसिटी, U है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब क्या वी वन, ठीक है। अब टाइम बताइए, तो यहां से यहां तक का टाइम अगर यह पहले 2 सेकेंड होगा और बाद में 8 सेकेंड है, पूछेंगे बताओ यहां से यहां तक कितना टाइम लिया, टी टू माइनस टी वन, क्या लेगा टी टू माइनस टी वन। इसलिए इस चीज को आप ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी ए का ये भी फॉर्मूला होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए एफ इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, एम वी टू माइनस एम वी वन बाय टी टू माइनस टी वन। आगे जब बढ़ाते हैं तो देखो बाबू ध्यान से, इसको कह सकते हैं मोमेंटम टू, ये मोमेंटम वन बाय टी टू माइनस टी वन। इसलिए एफ इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन डेल्टा पी बाय टी टू माइनस टी वन, को क्या लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा टी, चेंज इन टाइम और चेंज इन मोमेंटम। थोड़ा सा चैप्टर नंबर 3 का रिकैप करवाते हैं, ध्यान से देखना। आप सिंपल वेलोसिटी पढ़ते थे तो एक्स बाय टी डिस्टेंस बाय टाइम, ए ध्यान दो पढ़ा नहीं होगा ये, एक्स बाय टी थर्ड चैप्टर में पढ़े हैं। अगर आप एवरेज निकालते थे, क्या निकालते थे एवरेज, तो क्या था डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, बोलो जल्दी से। इसी चीज को आप लिखते थे टी टू माइनस, अगर आप इंस्टेंटेनियस निकालते थे, क्या निकालते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आप क्या लगाते थे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। इसी चीज को आप लिख सकते थे, इसी को क्या लिखते थे, जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो होता था तो यह बहुत कम हो जाता था डी टी, समझ में आ रहा है कि नहीं, और इसको क्या लिखते थे आप डी एक्स, क्या लिखते थे याद है, नहीं है तो फिर यूज होगा, फिर आगे भी होगा, बहुत जगह यूज होगा, इसलिए इसको दिमाग में रखना है। उसी टाइप से यहां पर सोचिए, ये एवरेज फोर्स निकल गया, एक तरह से एवरेज फोर्स निकल गया डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, कोई दिक्कत, यानी फोर्स कहेगा निकालने के लिए तो आप डेल्टा पी बाय डेल्टा टी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। ध्यान से देखिए, फॉर इंस्टेंटेनियस फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा बताइए, एफ इंस्टेंटेनियस के लिए लिमिट लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। देखिए हम जब बचपन थे जो चीज़ भारी लगता था ना, ध्यान दीजिए, जो चीज़ भारी लगता था ना उसको देखना ही छोड़ देते थे, उससे क्या होता था कमजोर हो जाते थे नहीं, फिर जब हौस आया तब लगा नहीं उसको छोड़ेंगे भी नहीं, उसको और गौर से देखने की ज़रूरत है, तो धीरे धीरे तेज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जिसने मटियाया होगा फिर तो आ गया, फिर आएगा, बहुत बार आएगा, इसलिए इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस के लिए लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी टेंस टू जीरो डी पी बाय डी टी, कोई दिक्कत। इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं, टेंस टू जीरो हो गया तो डी टी और ऊपर भी डी पी, यानी एफ इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला हो गया ये, इतना याद नहीं रखना है, कम से कम इतना याद रखना है डी पी बाय डी टी।
ठीक है। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ है, ध्यान दीजिए। न्यूटन सेकेंड लॉ मतलब ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। इसको मैथ में क्या पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, डी वाई बाय डी एक्स को क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये फोर्स अप्लाइड है, फोर्स है ना, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स यहां से लगाए तब ना यू से भी बन गया वेलोसिटी। हेंस रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसको मिटाएं ये ना, बस एक लाइन लिखेंगे अब छोड़ देंगे, एक लाइन लिखेंगे बस चल देंगे छोड़ देंगे। लिख सकते अतः, ध्यान दीजिए ये भी डिफिनेशन बोल सकते, अतः संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है, इसे भी न्यूटन गति के द्वितीय नियम कहते हैं। कितना आदमी यहीं से स्टार्ट करता है, देखो यहाँ कितना आदमी यहीं से स्टार्ट करता है और यहाँ पर पहुँचता है, कोई दिक्कत, कितना आदमी या कितना बुक तुम देखोगे यही डिफिनेशन लिख देता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके बाद फिर यहाँ पर पहुँचता है, लेकिन हम पहले एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन हुआ वहाँ से चल के यहाँ पर पहुँचे, गलत नहीं है कोनो, सब सही है, समझना जहाँ से अच्छा लगेगा वो पढ़ाए हमको, ये नहीं कि वो गलत है, वो भी सही है, सबका अपना अपना विचारधारा है। हमको ये लगता है कि यह जो बात लिख देंगे बिना समझाए तो बच्चा कहीं क्या सोचेगा कि इतिहास तो नहीं है ये, क्यों कैसे सोचा, इसीलिए हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। कितने लोग को क्या होता है, देखो ये डिफिनेशन इसका होता है, हम समझते हैं किसी का कोई डिफिनेशन नहीं है, डिफिनेशन हम ही लोग देते हैं या साइंटिस्ट ने देता है कैसे, सोच करके, इसीलिए हम लोग वैसे चलते हैं, गलत कुछ भी नहीं है, ये भी सही है वो भी सही है। इस चीज को मिटा देता हूं, कल देखिएगा मजा आएगा, और कल और मजा आएगा, इंटरेस्टिंग सब क्लास चलेगा, बंद कर दें इसको, चलिए अब फिर मिलते हैं कल।